सिर्फ टॉपर्स नीट क्रैक कर सकते हैं। दिन में 16 घंटे तो पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, 16 घंटे से एक मिनट कम तो फिर फेल हो जाओगे, फिर तो ड्रॉप ही कर लेना। ड्रॉपर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना देन फ्रेशर्स। अच्छा जी, तो ये सारी बातें आपने सुनी होंगी और आज हम ऐसे ही 6 इंपॉर्टेंट मिथ्स को या तो बस्ट करने वाले हैं या तो कंफर्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई क्या अफवाहें उड़ती है समाज में नीट एग्जामिनेशन को लेकर, नीट प्रिपरेशन को लेकर, और क्या बातें सच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांत, आपकी खिदमत में हाजिर। हम हैं नीट के खिलाड़ी बच्चों, नीट खेल खेल में निकाल देंगे, इस भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और कमेंट्स में ये बताकर जाना कि इनमें से कौन सी बात थी जो आपको लगती थी कि भाई कन्फर्म्ड है लेकिन मिथ निकली, और मिथ लगती थी कन्फर्म्ड निकली। सबसे पहला मिथ जो आज हम बस्ट या कन्फर्म करने वाले, और वो ये है कि सिर्फ टॉपर्स ही नीट क्लियर कर पाते हैं। लेट मी टेल यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन विद अ वेरी सिंपल स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं 2023 की बात करता हूँ, 2023 की बात करता हूँ, तो आउट ऑफ 20 लाख स्टूडेंट्स हु रोट डाउन द एग्जामिनेशन ऑफ नीट, 50+% बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था, समवेयर अबाउट 11.5 लाख बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था। और इस साल में 2024 की बात करूं तो सेम है, 25 लाख के आसपास बच्चों ने आपका नीट एग्जामिनेशन लिखा हुआ है और 13 लाख से प्लस बच्चों ने आपका नीट क्वालिफाई किया हुआ है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी, भाई इतने सारे टॉपर्स नहीं हो सकते कि पूरे देश में 13 लाख टॉपर्स निकले नीट में, थोड़ी ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है, नीट हर उस बच्चे के लिए है, नीट आपके लिए अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी। 10th में कोई भी परसेंटेज आए हो, 11th में जो भी हुआ हो, हमने इतने सारे बच्चों को देखा हुआ है जो 12th में फाड़ देते हैं, नीट एग्जामिनेशन फोड़ करा। सो लेट मी टेल यू दिस, दिस इज अ मिथ, इट इज नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, आप जितना मेहनत करने के लिए रेडी हो बस मेहनत करते रहो, फोड़ दो। अब बात करते हैं मिथ नंबर 2 की, क्या कोचिंग नेसेसरी है। इसको भी डेटा से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो आकाश जून के बच्चे ने, उनका नाम आकाश जून है, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना, मैं समझ जाऊं, हाँ, इन्होंने बिना किसी कोचिंग के टॉप 50 में अपना रैंक बनाया था नीट में। जाहिर सी बात है, ये बस कुछ एक ही या दो ही इंसान होते हैं, बच्चे होते हैं टॉप 1000-2000 में जो ऐसा करते हैं जब रैंक लानी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस इंसान आकर बताए कि देख ऐसे करना है, देख वैसे करना है, देख ऐसे मत कर, देख वैसे मत कर, ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कुछ ही बच्चे होते हैं, मतलब गिनती भर बच्चे होते हैं जो बिना इसके कर पाते हैं, और उसके लिए जो मेहनत जाती है, ओए होए, समझ रहे हो? तो क्या ये मिथ है या कन्फर्म्ड है? मैं बस इस स्टेटमेंट को थोड़ा बदलना चाहता हूं। कोचिंग इज नेसेसरी फॉर नीट प्रिपरेशन, दैट कोचिंग शुड बी कैंसल्ड विद गाइडेंस। गाइडेंस इज नेसेसरी फॉर नीट प्रिपरेशन। अब वो गाइडेंस आपको यूट्यूब से मिल जाती है तो वाह भाई वाह। अब बात करते हैं मिथ नंबर 3 की, 16 घंटे तो पढ़ना जरूरी ही जरूरी है यार, वरना नीट तो नहीं हो रहा। अगेन ये डिपेंड करता है, तो बहुत सब्जेक्टिव इंसान, सब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव मिथ हो गया है। तो बहुत, जैसे अगर मेरी बात करोगे आप, तो मेरा जो रिटेंशन पावर है वो बहुत कम है, मतलब मैं चीजों को ज्यादा रिटेन नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग है। यानी कि अगर मुझे अभी आप एक नंबर बताओगे, फोन नंबर, तो मेरे को झट से याद हो जाएगा, लेकिन वही नंबर आप मुझसे 20-25 मिनट बाद पूछोगे, याद नहीं रहेगा मेरे को। तो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, तो सब्जेक्टिव हो जाती है, और मैं चीजें बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ, मतलब मैंने देखा मैंने पढ़ लिया, उसके 10-15 मिनट बाद पूछो, मैं पूरा सारी चीज़ें बता दूंगा, सवाल जवाब सब बता दूंगा, लेकिन वही बात है कि कुछ 20-25 मिनट बाद आप मुझसे पूछो सेम चीज़, मैं रिटेन नहीं कर पाता। लेकिन आप में उल्टा हो सकता है, आप रिटेन कर पाते होंगे लेकिन ज़्यादा तेज़ी से नहीं पढ़ पाते होंगे, या तो आप ऐसा हो सकता है कि भाई आप रिटेन भी नहीं कर पाते होंगे और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होगा आपका। तो ये तो बहुत सब्जेक्टिव सवाल है, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, आपका रूटीन कैसा है। और मैं तो बस एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि भाई 16 घंटे पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िए, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में करने की ज़रूरत है तो करिए, लेकिन कुछ भी हो अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज ना करिए। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से फॉर दिस। तो इज इट अ मिथ और इट्स कन्फर्म? आई शुड से एग्जाम के ड्यूरेशन के टाइम पे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना मेक्स कंप्लीट सेंस, बट उसके पहले आई डोंट थिंक 16 घंटे आपको पढ़नी चाहिए, फिर क्योंकि आपका जो पर्सनल लाइफ है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है एग्जामिनेशन के आखिरी 3-4 महीने में। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, उसके पहले नहीं आया।
इसके पहले नहीं. आई इट डजंट मेक सेंस टू मी. व्हाट डू थिंक अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आपके कमेंट्स चाहिए मुझे. मिथ नंबर 4, नीट में सिर्फ वही बच्चे अच्छा कर पाते हैं जो बायोलॉजी में स्ट्रांग हो. इससे बड़ा मिथ इस पूरे सेशन में नहीं था, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो नीट की, या तो अगर आपने नीट मतलब प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, तो यू नो सबसे ज्यादा वार्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगती है बेटा. बायो तो मतलब बायो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव बायो मेरे ख्याल से आसान है पढ़ना एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. मेजॉरिटी बच्चे लेते पीसीबी इसलिए क्योंकि उनको मैथ्स पसंद नहीं है और फिजिक्स में पूरा मैथ्स भरा हुआ होता है. तो आई वुड से दिस इज कंप्लीटली अ मिथ, इट इज नॉट अ कंफर्म थिंग, इट्स डेफिनेटली अ मिथ. मूविंग ऑन टू मिथ नंबर 5, मॉक टेस्ट का एक ही काम है डीमोटिवेट करना और टाइम वेस्ट है. द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस एंड नो. डीमोटिवेट तो मॉक टेस्ट जरूर करती है, बट पॉइंट वही है कि यार मॉक टेस्ट बार बार देते रहना आपको. पहले ही मॉक टेस्ट में, पहले ही प्रैक्टिस टेस्ट में थोड़ी ना मार्क्स ऑल इंडिया रैंक 1 के भी पूरे 720 आते हैं. भाई मैंने कुछ दिन पहले सेशन लिया था, प्रैक्टिस टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं सर 300-400 आ रहे हैं. भाई वही होता है, बस धीरे धीरे अपने मार्क्स को बढ़ाना होता है. तो अपनी गलती को सुधारो और मार्क्स को बढ़ाते जाओ. डीमोटिवेशन है बिल्कुल, जब मार्क्स कम आते हैं, 10th में इतने अच्छे आ रहे थे, 11th में कम आते हैं, 12th में कम आते हैं, तो डीमोटिवेशन जरूर होता है. लेकिन उसी डीमोटिवेशन की स्ट्रगल को तो भाई पार करके अच्छा करना होता है अपने आप को, तभी तो फिर मंजिल हासिल होती है ना, वरना थोड़ी सी होगी. तो हाँ, इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ मिथ, बट इट इज डीमोटिवेशन सॉर्ट ऑफ कंफर्म्ड. यस, अब बात करते हैं सबसे आखिरी मिथ, मिथ नंबर 6 की, कि जो नीट प्रिपरेशन और जो नीट क्वालिफाई होते हैं उसमें मेजॉरिटी बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं, फ्रेशर्स नहीं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है. लेट मी टेल यू, ये सही नहीं है. हाँ, काफी परसेंटेज बच्चे ड्रॉपर्स जरूर होते हैं, लेकिन द चांसेस फॉर क्लियरिंग और क्वालिफाइंग फॉर नीट lies higher with a fresher kid. क्यों? क्योंकि वो 11th, 12th के जर्नी के दौरान ही नीट करते हैं, क्योंकि उनका फ्लो मेंटेन रहता है, फ्लो ऑफ फुल प्रिपरेशन, फ्लो ऑफ हायर एंगेजमेंट विद स्टडीज, फ्लो ऑफ मेहनत ज्यादा कर करके पूरे माइंडसेट से करते हैं ना, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे ये माइंडसेट करके मेरे को ड्रॉप नहीं करना है, तो उनके ऊपर पुश प्रेशर और क्या कहते हैं उनका डेडिकेशन ज्यादा होता है. लेकिन जैसे आप फिर ड्रॉप कर लेते हो, फिर आपको डेडिकेशन बनाना पड़ता है दोबारा, डिटर्मिनेशन दोबारा बनानी पड़ती है, और फिर 11, 12 की चीजें दोबारा रिवाइज करनी होती है, वो सारी चीजें एंड तक मेंटेन करना होता है, फिर एग्जामिनेशन देना होता है. इसी वजह से नंबर ऑफ पीपल हु टेक ड्रॉप मल्टीपल टाइम्स इज ऑल्सो बिट हायर. सो यस, इट इज डेफिनेटली अ मिथ, मेहनत करने वाला कोई भी बच्चा फोड़ सकता है, चाहे वो ड्रॉपर हो या फिर प्रेशर. क्या आपने कोई और मिथ सुना हुआ है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और इन सारे मिथ्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन पीपल. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बस एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, कि मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं. आप मेहनत करते रहेंगे, हम आपसे 200% ज्यादा मेहनत करेंगे, और भाई नीट फोड़ के दिखाएंगे 2025 और 2026 का. क्या कहते हैं? थैंक्स.